हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्क जैन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये द्विघात समीकरण क्या होती है? द्विघात समीकरण को समझने से पहले हमने द्विघात बहुपद पढ़ा है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है आपका? द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो द्विघात का मतलब, जैसे इसका नाम से स्पष्ट है, द्वि का मतलब दो। तो ऐसा बहुपद जिसमें जो चर राशि की जो अधिकतम घात है वो जो है कितनी है, दो है, और जो है घात, ठीक है, इस तरीके से है। तो आपने यहाँ पर देखा कि x की जो अधिकतम घात है वो क्या है, दो है, और x के जो बराबर में ये लिखा हुआ है ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, b के यहाँ पे x का गुणांक क्या है, b है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। c क्या है, अचर पद है। ठीक है, तो x क्या है, चर पद है, चर राशि, और जो c है वो क्या है, अचर राशि है, और a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और जो आपका जो b है वो x का गुणांक है। ये द्विघात बहुपद हमने जो है चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। अब द्विघात समीकरण क्या होती है? जब आपका द्विघात जो बहुपद है वो क्या है, हम जो जीरो के बराबर अगर हम इसको कर देते हैं, अगर इस द्विघात बहुपद को जीरो के बराबर कर देते हैं, तब ये क्या रह जा, ये क्या हो जाता है, ये द्विघात समीकरण बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसमें इतना ही अंतर है द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में। ये द्विघात बहुपद था, ये जीरो के बराबर नहीं था। जब ये जीरो के बराबर हमने कर दिया इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गई। और जहां पर आपका ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ ए जो है इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर ए जीरो हो जाता है, ठीक है, अगर ए जीरो के बराबर हो जाता तो ये रह जाएगा क्या, बी एक्स प्लस सी, जो कि क्या है, रैखिक, उसमें बहुपद में रैखिक बहुपद हो जाएगा और इसमें रैखिक समीकरण बन जाएगी। तो इसलिए द्विघात बहुपद के लिए क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं होगा। और यहाँ पर ए बी सी जो है वो आपकी क्या है, वास्तविक वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपका जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या ही है, उसमें इसको डिटेल में समझाया गया है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है अगर जीरो के बराबर हो जाता है तो ये अब आपकी क्या बन गई है, ये चर एक्स में, चर राशि x के लिए क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। चर राशि इसमें क्या है, x है, के लिए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो आपको क्लियर हो गया है कि द्विघात समीकरण क्या होती है। ठीक है, अब इसका जो है एप्लीकेशन क्या, इसका उपयोग क्या, कहाँ किया जाता है, तो आप ये देखते हैं, उदाहरण देखते हैं कि किसी मैदान का क्षेत्रफल जो है 500 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दो गुने से एक मीटर अधिक हो। तो मैदान की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो, मतलब अगर हमें कोई मैदान हमारा ये है जैसे, ठीक है, और इस मैदान की हमें क्षेत्रफल हमें मालूम है कि जैसे 500 है मीटर स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद जो उसने कहा लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की, तो इसका मतलब हम चौड़ाई को अगर मान लेते हैं कि चौड़ाई अगर हमारी एक्स है, माना चौड़ाई अगर एक्स है तो जो लंबाई होगी वो क्या है, चौड़ाई के दो गुने से, चौड़ाई का दो गुना क्या होगा, 2x हो गया, और उससे एक मीटर अधिक है प्लस 1। मतलब अगर हमारी चौड़ाई क्या थी, x थी, ये चौड़ाई है, तो लंबाई क्या होगी, उसके दो गुने से एक अधिक, ठीक है, इतना हो गया। तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग बता रहा हूं द्विघात समीकरण का। अब क्या होगा, आपको लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, और आपको क्षेत्रफल भी मालूम है, कितना है क्षेत्रफल, 500। तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है किसके, क्षेत्रफल के। तो लंबाई कितनी है, 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितनी है, x इक्वल्स टू क्या होगा, 500 के। तो अब यहाँ 2x की x में मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 1 की x में करोगे तो x आ जाएगा इक्वल्स टू 500, और अब क्या करोगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और ये क्या होगा, माइनस के 500, क्योंकि ये इधर इक्वल्स टू के साइड था, तो जब ये लेफ्ट साइड आएगा, बाईं तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 500 हो जाएगा और इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। मतलब अब आपकी इक्वेशन आ गई है कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 500 जो है
इक्वल्स टू जीरो। तो आपकी ये क्या है, आपने देखा कि इसमें जो चर राशि की अधिकतम घात है, x की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे, दो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये द्विघात समीकरण हो गई है। और आपने देखा कि x की घात क्या हो रही है, ये अपने घटते हुए क्रम में है, पहले दो थी फिर एक और फिर जीरो। तो आपकी क्या है, क्योंकि आप ये भी लिख सकते हैं कि क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के रूप में है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। वैसे ऐसे इसमें पूछा नहीं था, तो एक एप्लीकेशन था कि द्विघात समीकरण का उपयोग कहाँ होता है। तो आपको इस तरीके से बताएगा, अगर आपको कोई मैदान है, क्षेत्रफल आपको मालूम है, और उसके साथ आपको ये मालूम है कि जो उसकी चौड़ाई हैगी वो इतनी है, मतलब कि चौड़ाई जो है लंबाई का दुगने से एक मीटर अधिक हैगी, तो इस तरीके के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। तो वहाँ वहाँ इस तरीके की जगह जो है इसमें द्विघात समीकरण का जो है इसका यूज होता है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप हम पढ़ते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो मानक रूप जो है उसका मतलब ये होता है कि मानक रूप में जो पद होते हैं वो घातों के क्या होते हैं, घटते हुए क्रम में होते हैं, ठीक है। मानक रूप में, मानक रूप में जो पद होंगे वो क्या होंगे, पद घातों के घटते हुए क्रम में होते हैं। मतलब जब घातों के घटते हुए क्रम में जो पद होंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, मानक रूप कहेंगे, ठीक है। जैसे आप ये देखिए, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, ठीक है, और जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस तरह से लिख सकते हैं, और ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर एक्स की घात क्या है, मतलब जो पहले पद में जो घात है वो क्या, दो है, अगले पद में घात एक है, फिर अगले में जीरो है। तो ये इसकी जो द्विघात समीकरण का ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका मानक रूप है, ठीक है। ये इसका क्या है, आपका मानक रूप, ठीक है, ये इसका मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपको पता लग गया कि मानक रूप क्या होता है, जब जो पद होंगे वो घातों के घटते हुए क्रम में होंगे, चर राशि की अब घात जो है यहाँ पे क्या घट रही है, इसलिए इसको क्या कहा, ये मानक रूप हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। आइए अब इसी से रिलेटेड जो है कोई प्रॉब्लम्स जो है एग्जाम्पल है वो और देखते हैं द्विघात समीकरण में, ठीक है। इसमें उदाहरण दिया है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। आपको ये जांच करना है कि द्विघात समीकरण ये है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट दिया है x माइनस के टू का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, इस वाली फॉर्म में दिया है। देखते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये इसमें x माइनस के टू का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, टू का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के टू इंटू में ए क्या है, ए यहाँ पर हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है, और जो है बी क्या है आपका, टू हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, और ये प्लस क्या है आपका, वन प्लस वन, और इक्वल्स टू क्या होगा, टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना, दो दूनी चार हो जाएगा, माइनस के दो दूनी चार एक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आपका क्या होगा, वन होगा, और इक्वल्स टू क्या होगा, टू एक्स प्लस थ्री हो गया, इतना हो गया। फिर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस के फोर एक्स हो जाएगा, और फोर और प्लस वन कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा, टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स प्लस फाइव, ये इक्वल्स टू के इस साइड है, जब इधर वाली साइड लेकर आएंगे, इसके बाई तरफ लेकर आएंगे, तब क्या होगा, ये प्लस का टू एक्स यहाँ पर आकर माइनस के टू एक्स हो जाएगा, और प्लस का थ्री माइनस के थ्री हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स है, माइनस के टू एक्स से कितना हो जाएगा, माइनस के सिक्स एक्स हो जाएगा, प्लस के फाइव माइनस के थ्री, तो पाँच में से तीन गए दो, प्लस के दो हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो आ गया। तब अब आप देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है, लिख सकते हैं चूंकि प्राप्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, के रूप में है, इसी के रूप की है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो प्राप्त समीकरण है वो क्या है, द्विघात समीकरण है। प्राप्त समीकरण, बस इसकी जांच ही करनी थी कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण है। तो इतना था आंसर, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी तरीके की उदाहरण, जैसे ये उदाहरण है, इसी तरीके की प्रॉब्लम है, उसमें उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने पहले एग्जांपल में समझ लिया है, इसका बेसिक्स वीडियो है ये। अब इसका सेकंड जो पार्ट है
उदाहरण ये एक हो गया, दूसरा नंबर है ये है कि x x प्लस वन प्लस एट इक्वल टू x प्लस टू एक्स माइनस के टू, ठीक है। तो अब इसमें भी ऐसे ही करके देखते हैं, x की मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के x हो जाएगा वन में करी जब, और प्लस का एट हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा x प्लस टू और x माइनस के टू। डायरेक्ट अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं एक बार a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर माइनस के बी का क्या दो का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट इक्वल टू क्या होगा दो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के दो दुनी चार हो जाएगा, इतना हो गया। अब आप ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट जो है ये प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पर आकर माइनस के एक्स स्क्वायर, और माइनस का फोर प्लस के फोर हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर क्या कैंसिल आउट होगी, जीरो हो जाएंगे, और ये बचा आपका एक्स प्लस और आठ और चार कितना हो जाएगा बारह, इक्वल्स टू जीरो, मतलब एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो हो गया। अब आपने देखा कि क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के रूप में है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो x का जो x की घात दो वाला टर्म क्या है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, और ये समीकरण क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा, और तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि प्राप्त समीकरण जो है, प्राप्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के रूप में नहीं है, नहीं है, इसलिए प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो एक तरीके का ये जो है द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो है एक बेसिक वीडियो था, और आप इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो एक्सरसाइज होगी 4.1 जो होगी वो कराई जाएगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।